प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। प्रहार टाइम्स के माध्यम से बसों को लेकर हमने स्टिंग ऑपरेशन की खबर दिखाया है और अब एक बार फिर बस स्टॉप को लेकर हम इस खबर को दिखा रहे हैं। पार्ट टू कह सकते हैं, रोड वेंडिंग में तोड़े गए मुमरा कौसा की बस स्टॉप, जो आज कई साल बीत गए हैं, बस स्टॉप का कोई अता पता नहीं है। और पिछले दिनों शमीम खान ने मांग की थी मुमरा कौसा में बस स्टॉप बनाने की, जहां आज अधिकारियों ने दौरा किया और कहा एक हफ्ते में 19 बस स्टॉप भारत गियर से रेती बंदर तक बनाई जाएगी और रेती बंदर से भारत गियर तक 19 जो है बस स्टॉप बनाए जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर 38 बस स्टॉप मुमरा कौसा में जो है बनाए जाएंगे भारत गियर से लेकर रेती बंदर के बीच। बस स्टॉप बनाए जाएंगे जिसकी दावा किया है, एक हफ्ते में बस स्टॉप बनाकर तैयार हो जाएगी। शमीम खान ने क्या कहा है वो हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन आज एक और बस ड्राइवर व कंडक्टर को सस्पेंड करने की मांग की है। कुल 2 ड्राइवर और 2 कंडक्टर है। दरअसल 2 लोग स्टिंग ऑपरेशन में लापरवाही बरतते हुए पाए गए और दूसरा मुमरा बाईपास पे बस ड्राइवर रॉन्ग साइड से जा रहा था, जहां बस स्टॉप के दौरे के दौरान बस ड्राइवर का कारनामा सामने आ गया। उसके बाद रॉन्ग साइड से आ रही बस के ड्राइवर व कंडक्टर को फटकार लगाई और फिर उसका नाम बस नंबर लेकर छोड़ दिया गया। देखिए इस खबर में सस्पेंड करो इसको, सस्पेंड करो, निकालो इसको, सस्पेंड करो। ए बैच क्या है तुम्हारा, बैच बैच किधर, बैच बैच दिखा, चलो इसको करो, सस्पेंड करो दोनों को, गर्दी का ज्यादा मत करो, बस निकलने दो, जाओ गाड़ी दस मिनट चलो। और तुम लोग का सस्पेंड ऑर्डर होगा कनाडे साहब, हाँ लेकिन जब वहाँ से बस जाम था तो आप इधर से क्यों गए, उधर से सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, आप भी अकेले क्यों घर से जाना चाह रहे थे, आपकी सरकारी गाड़ी के लिए क्या है। तो आपने देखा ये बस कल्याण फाटा से मुमरा कलवा होकर जाना है, मगर मुमरा सर्कल यानी मुमरा बाईपास सर्कल पर रॉन्ग साइड से जा रही थी इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर को भी सस्पेंड करने की मांग शमीम खान ने की है। और ये भी सुनिए कितने बस स्टॉप कहां कहां बनेंगे मुमरा कौसा में, क्या कहा है वो आप सुनिए। हमारे साथ में इस वक्त कनाडे साहब और हमारे ट्रैफिक विभाग से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमने कुछ ही दिनों के पहले, मैं और मेरे चार, हम लोग जो चार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो हम लोग सदस्य हैं, मोहसिन शेख, प्रकाश पाटिल एंड नितिन पाटिल, हम लोगों ने मांग किया था कि भारत गेट से लेकर के रेती बंदर तक बस स्टॉप लगाया जाए, क्योंकि जो रोड वाइंडिंग में बस स्टॉप निकल गए थे उसके बाद आज तक बस स्टॉप लग नहीं पाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे व्यवस्थापक जी को, गौत साहब को, जिन्होंने हमारी मांग को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए और उन्होंने आज कनाडे साहब को यहाँ पे भेजा है कि जा करके आप सर्वे करें और सर्वे करके बस स्टॉप लगाने का काम चालू करें। तो मैं सबसे पहले गौत साहब का, कनाडे साहब का और हमारी जो ट्रैफिक की जो टीम है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज दौरे पर आए हुए हैं। टोटल 38 बस स्टॉप लगेंगे, यानी 19 रेती बंदर से लेकर के भारत गियर तक और फिर भारत गियर से लेकर के रेती बंदर तक बस स्टॉप लगाए जाएंगे। और कनाडे साहब ने मुझे ये कहा है कि 1 वीक के अंदर हम बस स्टॉप लगाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके का आज एक दौरा था हमारा कनाडे साहब के साथ में, हम लोगों का एक दौरा था जो कि काफ़ी अच्छा दौरा हुआ और जगह उनको बताई गई है, उसके हिसाब से लिस्ट बन चुकी है। ये लिस्ट है, हम दिखाना चाहेंगे आपके माध्यम से, जिसमें
मैं अगर मैं बता दूं आपसे तो फिलिप्स कंपनी, सुभाष टावर, अमृत आंगन सोसाइटी, अमृत आंगन सोसाइटी, साईनाथ, यानी लंबा लिस्ट है, डावले गांव तक की ये लिस्ट है जो मेरे पास है, लिस्ट बन चुकी है और इसके मुताबिक बस स्टॉप एक हफ्ते के अंदर लगा दिए जाएंगे। टोटल कितने बस स्टॉप बनेंगे? 19 उस तरफ 19 इस तरफ टोटल 38 बस स्टॉप लगाए जाएंगे। क्योंकि क्या है सरोज आसमी जी, आज जिस तरीके से हमारा स्टिंग ऑपरेशन था, उस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि बस को जहाँ रोकना चाहिए तहाँ बस रुक, बस को वहाँ पे रोका नहीं गया। यानी बस स्टॉप ना होने के कारण ड्राइवर भी समझता नहीं है कहाँ रोकना चाहिए हमको। लेकिन जो मुमरा कौसा की पुरानी जनता है, जो आवाम है, जिसको मालूम है कि अगर हम इस वक्त एबीके पे खड़े हैं तो यही हमारा बस स्टॉप है, तो उन लोग वहाँ खड़े दिखाई दिए हमको, लेकिन उनकी गलतियों से बस को वहाँ रोका नहीं गया। जो ड्राइवर आए थे तो जिस तरीके से उनकी कई सारी गलतियाँ हैं, हमने आपके माध्यम से पहले इन्फॉर्म कर दिया मीडिया को, दोबारा उसको रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि शमीम खान संगठन का वो सिपाही है, आमदार मिनिस्टर जितेंद्र रावत साहब का, जिसका काम ही है, जिसका मकसद ही है कि हमारी आवाम की तकलीफ ना हो और आवाम के साथ में खड़े रहने का काम हमारा हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। अरे भाई, बस स्टॉप की बात दूर की बात है, लेकिन जो है जब वो कंडक्टर ने भारत जैसा शुरू हुआ तो 3 स्टॉप पर रोका, उसके बाद उसने आवाज़ लगाई कि आप कहीं पर बस रोको मत, चलने दो। फिरोज हाशमी जी, मैं कनाडे साहब के सामने ये बात कहना चाहता हूँ और अभी मैं यहाँ से व्यवस्थापक जी से मिलने आने जा रहा हूँ। हमारे अपोजिशन लीडर ताई से भी बात हमारी हो गई है, नजीब मुल्ला साहब से बात भी हमारी हो गई है, सानू प्रधान भी अनुभवे हैं। हम उन 4 यानी 2 कंडक्टर और 2 ड्राइवर को सस्पेंड करने का हम मांग करते हैं और हमें उम्मीद है कि वो अपनी गलती पे हैं, वो उनकी गलतियाँ आपके कैमरे में रिकॉर्डेड है और मैं जगह पर मौजूद हूँ, मैं परिवहन समिति सदस्य मौजूद हूँ वहाँ पे, इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। और इस तरीके से अगर अब कोई और भी ऐसी गलती करेगा तो शमीम खान का स्टिंग ऑपरेशन वो समझ ले कि 24 आवर्स का भी। आज लोकल ट्रेन बंद होने के कारण जो तकलीफ पैदा हो रही है उसको देखते हुए जो हमने कनाडे साहब से बात किया है, व्यवस्थापक जी को हमारे बात किया है कि बसें और बढ़ाई जाए, बस कम है हमारे शहर में, अगर बसें और बढ़ जाएगी तो आने वाली आवाम को तकलीफ का सामना नहीं करना। समीम भाई इसमें एक चीज़ और देखने के लिए मिली कि जैसे कि फिरोज आसमी साहब ने टिकट निकाला लेकिन कंडक्टर ने उनको टिकट नहीं दिया और पैसे भी लिया, और आपने भी टिकट निकाला, जो ऊपर के 4 रुपये या 5 रुपये छूटते थे वो भी आपको नहीं मिला, तो ऐसे पूरे दिन में ये लोग कितना करते, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं आपको बताऊँ एक बात कि मैं कनाडे साहब के सामने बोलता हूँ कि ऐसा जो भी मैंने दो ड्राइवर थे उनका नाम लिया, मैंने नाम बता चुका हूँ पहले भी, मैं अभी मैं आए हैं कनाडे साहब, हमारी उनसे मीटिंग है, ऐसे लोगों के साथ में सख्त एक्शन लिया जाएगा, उनकी माफ़ी नहीं होगी। बाकी कनाडे साहब 2 अल्फाज आप बता दीजिए कि जो भी हुआ है उसके हिसाब से। एक्चुअली कनाडे साहब का कहना यह है कि आप हमारे परिवहन समिति के सदस्य हैं, आपने बात पूरी रख दी और जो आप कह रहे हैं उसके ही मुताबिक काम किया जाएगा। तो मैं सर को धन्यवाद प्रकट करता हूँ, सर ने दौरा किया और आए और आकर के पूरी चीज़ों का जायजा लिया है, और हमारे व्यवस्थापक जी जो है बहुत बेहतरीन आदमी वो भी हैं, काम करने वाले आदमी हैं और हमें काम चाहिए। तो इस तरीके से जो भी पत्रकार भाइयों ने आज सुबह से 9 बजे से हमारा स्टिंग ऑपरेशन स्टार्ट था, आप लोगों ने भी वक्त दिया, हम पत्रकार भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग ही वो शख्स हैं जो हमें जगाते हैं, हमें सुलाते हैं और हमें उठाते हैं, आपकी आवाज़ पे हम चलते हैं। हमें बताया, हमको इन्फॉर्म किया ये मिस्टेक चल रही है, उस पर हमने दौरा किया, ये दौरा लगातार जारी रहेगा। जो भी बस कंडक्टर ड्राइवर हैं वो कान खोल के सुन लें, तो उनकी माफ़ी नहीं होगी। जिस तरह से शमीम खान ने बता रहे हैं कि यह ऑर्डर कॉपी है और कहां कहां बनाए जाएंगे, यह हमारे हाथ में लिस्ट है, तो एक हफ्ते का जो है दावा कर रहे हैं कि एक हफ्ते में ठाणे महानगर पालिका जो है वो 38 बस स्टॉप मुमरा कौसा में बनाएगी। तो जिस तरह से शमीम खान ने दावा किया है कि एक हफ्ते में ठाणे महानगर पालिका जो है वो बस स्टॉप बनाएगी, इस तरह से आश्वासन दिया है, लिखित में दिया है कहाँ कहाँ पर बनेंगे, उसके नाम दिए गए हैं और एड्रेस दिए गए हैं, एक हफ्ते का ठाणे महानगर पालिका ने आश्वासन दिया है, लिस्ट जारी किया है, अब देखना ही होगा क्या
एक हफ्ते में 38 बस स्टॉप मुमरा कौसा में सड़क के दोनों तरफ कैसे बन पाती है या नहीं बन पाती है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।